सबसे पहले मैं अपने मुख्यमंत्री सर को, अपने रेशमा मैम गरिमा गिरी को और रहमान सर को, सुल्तान सर को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि इनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और रहे संघर्ष की बात, तो बहुत ज़्यादा रहा संघर्ष लाइफ में, क्योंकि एक ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ तक आ पाना वो सोच नहीं सकते हैं कोई जल्दी, और मैं यहाँ तक आई हूँ तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है, लेकिन खुशी भी इतनी है कि वो संघर्ष को का फील नहीं हो रहा है अभी। जब आपने ये कदम उठाया, सोचा कि तैयारी करें, यहाँ पर इंस्टीट्यूट में आई, तो वो कितना मुश्किल था और किस तरह से आप बाकी के स्टूडेंट्स के साथ आप आगे बढ़े? नहीं, इंस्टीट्यूट में जब नहीं आई तो मुश्किल था, क्योंकि जब मैं दूसरे इंस्टीट्यूट गई तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं आपको एडमिशन नहीं दे सकता, यहाँ का माहौल ख़राब होगा। तो मैं बोली, मैं बहुत इंसिस्ट की, मैं बहुत रिक्वेस्ट की, उन्होंने नहीं माना। फिर बोले कि नहीं, तो यहाँ पे नहीं आने के पहले ही मेरा मतलब लाइफ थोड़ा ख़राब था, कि मेरे को एजुकेशन चाहिए था, मिल नहीं रहा था। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से लाइफ बहुत अच्छा है, और अच्छा मार्गदर्शन सर का, गुरु रहमान सर, मुन्ना सर, सबका मिला, तो मैं आज ये क्रैक कर पाई फैमिली हूँ। के तरफ से किस तरह का सपोर्ट मिला? फैमिली के क्योंकि तरफ से हमेशा सपोर्ट रहा, मम्मी पापा भाई बहन हमेशा साथ रहे, क्योंकि फैमिली के सपोर्ट के बिना कोई नहीं बढ़ सकता, ना तो आप ना तो हम। आज अगर कहीं आप बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपके फैमिली सपोर्टिव है, तभी आप यहाँ पे आके बैठे हैं। तो उसी जस्ट लाइक मेरी भी फैमिली मेरी सपोर्टिव थी, तभी मैं आप आज आके यहाँ पे बैठ पाई हूँ। कोचिंग के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि रहमान सर ने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आपको यहाँ पर एडमिशन जी, दिया और आप रहमान सर तो इतिहास बनाए हैं, क्योंकि इतिहास में जब लिखा जाएगा कि 77 साल देश के आज़ादी के बाद अगर बिहार में कोई टीचर ट्रांस को पढ़ाने के लिए तैयार हुए, तो वो हमारे गुरुजी थे। और हमारे गुरुजी ने मतलब सच में, कि बोलते हैं कि दरोगा मतलब होता है गुरु रहमान सर, तो वो आज 100 नहीं 2000% इन्होंने प्रूव करके दिखाया है। और क्या बोलते हैं, बस इनके लिए मेरा सारा जीत, हमारा सारा क्रेडिट, हमारी सारी मेहनत सब इनका इनको जाता है, इनके बगैर हम कुछ भी नहीं है। अब आप दरोगा बन गई है, आगे आप क्या करना चाहेंगे डिपार्टमेंट के लिए और सोसाइटी के लिए, क्या आपका मिशन है? सोसाइटी के लिए मैं मतलब इसीलिए इस डिपार्टमेंट को चुनी, इस मतलब प्रोफेशंस को चुनी, क्योंकि इसमें पब्लिक के बीच आप रह के काम करते हैं। तो मैं हर एक मतलब इसमें हर एक 3-4 साल में आपका ट्रांसफ़र होते रहता है, आपको अलग अलग क्षेत्र मिलता है काम करने के लिए, तो दैट्स वाई कि मेरे को भी मिलेगा। तो मैं अपने इस क्षेत्र में इतना अच्छा काम करना चाहती हूँ, ताकि लोगों को ये लगे कि नहीं, ट्रांस भी अच्छा काम करते हैं, और वो भी सशक्त होते हैं, और वो भी कर सकते हैं। क्योंकि आप इतिहास में देखें तो हमारे बहुत सारे मंत्री और क्या बोलते हैं, बहुत सारे राजाओं के दरबार में रहते थे, उनको मुगल काल में मतलब कहते हैं ना, जनाना कक्ष जो उनका होता था, उनको मतलब बॉडीगार्ड के तौर पे रखा जाता था। हमारा कहाँ जिक्र नहीं है, मलिक सरवर है, मलिक काफूर है, जब दिल्ली का तख्ता पलट हुआ था बहादुर शाह जफर द्वितीय का, उस टाइम भी उनका सिपर सलार एक ट्रांसजेंडर थे। हमारे वेदों में, महापुराणों में, सब में हमारा जिक्र है। तो हमारा उतना बड़ा इतिहास, हमारे उतने गौरवशाली इतिहास को मतलब ऐसे ठुकरा दिया गया, और ऐसे मतलब ये अंग्रेजों का और मुगलों का जब आना हुआ, आक्रमणकारी आए, तो ऐसे मिटा दिया गया कि हमारा वजूद ही कुछ नहीं था। तो मैं चाहती हूँ बस अपने समाज का उस वजूद को फिर से वापस लाना, और एक सम्मानजनक ज़िंदगी एक जीना। आखिरी सवाल, सोसाइटी में जिस तरीके से जो रिस्पेक्ट आप लोग को मिलना चाहिए था, लगता है कि वो नहीं मिला और अब इसके लिए आप लोग लगता आगे नहीं बढ़े? है सर, ये तो सब जानते, नहीं मिला सर। आप तो देखते हैं ना सर, आज किस हादसे पे खड़े हैं, मतलब वंचित में वंचित, शोषित में शोषित है ये कम्युनिटी, कहाँ है सर? आपके सामने एक बैठी हूँ मैं, हमारे सामने 1275 सीट था ना, उसमें सर कितने सारे महिलाएं, कितने सारे पुरुष हैं, जहाँ पे मैं अकेली बैठी हूँ, एक ट्रांसजेंडर महिला इधर पे, तो सर कहाँ है हमारे लिए कुछ भी? पर ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूँगी कि नहीं ही सही, अभी शुरुआत ही सही है, कहीं ना कहीं हमारे समाज में भी बदलाव आएंगे, और इसका मतलब मुझे ढेर सारा विश्वास है, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं और सब लोग हैं। तो मैं यहाँ तक आ पाई तो हमारे और सारे दोस्त लोग भी आएंगे, और हमारा हमारा कम्युनिटी भी आगे बढ़ेगा, मेन स्ट्रीम में आएंगे, और हम आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। देखिए, हमारे इसको कोचिंग मत कहिए, इसको अदम्य अदिति, अदम्य अदिति मेरी बेटी का नाम है, अदम्य अदिति गुरुकुल के गुरुकुल है ये। और इस संस्थान से ही नहीं, उत्तर भारत, पूरे भारत में कहिए, केरला में एक ट्रांस मेन है, सब इंस्पेक्टर बना है, लेकिन पूरे भारत में कोई ट्रांस
वुमेन बनी है और वो भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, तो निश्चित रूप से इससे बड़ा गर्व की कोई बात नहीं। यद्यपि 726 रिजल्ट मेरा है, लेकिन 726 रिजल्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन अपनी बेटी मानवी का, अपने बेटा रौनित झा का, अपने बेटा बंटी कुमार का रिजल्ट हमको ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और मैं आप लोग के तमाम मीडिया लोग, आप लोग चौथे स्तंभ हैं, आप लोग के सामने ये आह्वान कर रहा हूँ तमाम ट्रांसजेंडर लोगों को कि आप लोग जिस तरह मैंने इन लोगों को पढ़ाया, फ्री में पढ़ाया, किताब कॉपी सब सारी व्यवस्था मैंने की, तो आप लोग उन तमाम लोगों से मैं कहूँगा कि आप लोग आइए बेझिझक और बिना किसी संकोच के पढ़िए। मैं चाहता हूँ कि हर थाना में कम से कम एक सब इंस्पेक्टर जरूर हो जो कि ट्रांसजेंडर हो। और दूसरी बात ये भी मैं बता दूँ कि इस बार जो 21,391 सिपाही की बहाली जो निकली है, जो क्वेश्चन जो आउट हो गया था, उसमें 46 ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जो हमारे स्टूडेंट हैं, और 46 में 46 ट्रांसजेंडर का सिपाही में रिजल्ट होगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, और उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जहाँ हमारी बेटी गई थी, लोग गए थे तो इन लोगों ने कहा था कि ट्रांस को पढ़ाने से माहौल खराब हो जाएगा, और मुझे लगता है कि इनके आने से हमारा माहौल अच्छा हो गया। और अचानक मुझे भारत स्तर का, जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने फ़ोन कर दिया, केंद्रीय मंत्री ने की तरफ से हमको फ़ोन आ गया, ADG मुख्यालय ने से फ़ोन आ गया, तो निश्चित रूप से इन लोगों के आने से मैं गौरवान्वित हुआ हूँ। इन लोगों ने हम पर एहसान किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, क्योंकि मैं स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानता हूँ और उन्हें इस बात पर विश्वास करता हूँ कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य समझता है। मैं सनातन को मानता हूँ, वेद मेरा शोध है, मैंने शिखंडी को जाना है, मैंने मलिक काफूर को जाना है, मैंने जावेद खान को जाना है, मैंने मलिक सरवर को जाना है, तो निश्चित रूप से मैं जानता हूँ कि अगर इन लोगों को थोड़ा सा प्यार दिया जाए तो ये लोग जान भी दे सकते हैं। और इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये लोग बेईमान नहीं होगा जो कि पुलिस विभाग की छवि खराब है। आपके लिए कितना मुश्किल कदम था कि ट्रांस को अपने संस्थान में मौका देना पढ़ने के लिए? नहीं नहीं, सब बाकी संस्थान नहीं, सब सबसे पहले 5-6 लोग, ये लोग आया तो एक्चुअली मैं पहचान नहीं पाया था कि ये लड़का है कि लड़की है, तो मधु हमको इशारा करके बुलाई, तो अब जाहिर सी बात है कि टीचर का चरित्र जो होता है वो कफन के जैसा बेदाग होता है, तो इशारा करके बुलाई, तो हमको डर लगा, हम कहा कि यही बोलो, तो बोले कि इधर आइए ना सर, पर्सनल बात है, तो हम आउटडोर गए, तो फिर हम गए उधर, तो बोले कि सर हम ट्रांसवोमेन हैं, आप हमको पढ़ाएंगे, हम उसी वक्त मैंने कहा कि किस चीज़ तैयारी करना है, तो इसने कहा कि सब इंस्पेक्टर का, तो ये सामने बैठी है, मैंने उसी वक्त बजरंग मलिक को नमन किया और इसके माथे पर मैंने SI लिखा था और आज ये चरितार्थ हो गया। मेरे लिए कोई मुसीबत नहीं है, मेरे गुरुकुल के तमाम बेटी और बेटा को मैं सैल्यूट करूँगा कि उन लोगों ने जितना प्यार इन लोगों को दिया उतना प्यार मैं भी शायद नहीं दे सकता था, और ये तो मेरे लिए तो बेटी ही थी। मैं तो पूरा नाम अभी जाना रिजल्ट के बाद, मैं तो मधु बेटी कहता था, मानवीय मधु कश्यप अभी जाना मैंने रिजल्ट के बाद, लेकिन हमारे लिए बहुत गर्व का बात है। और मैं तमाम शिक्षकों से भी कहूँगा कि केवल लूट खसोट और दुकानदारी से काम नहीं चलेगा, जब तक समाज के निचले पंक्ति में बैठे लोगों को अगर आप शिक्षा देकर आगे नहीं बढ़ाइएगा तब तक बात पूरी नहीं होगी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कहूँगा कि मुझे लोग कहता था दरोगा गुरु, लेकिन मैं दरोगा गुरु पूरा नहीं था, क्योंकि मैंने मर्द को बनाया था, औरत को बनाया था, लड़का लड़की को बनाया था, लेकिन ट्रांसजेंडर को नहीं बनाया था, और इन तीनों ने रिजल्ट देकर हमको पूर्णतः दरोगा गुरु बना दिया, इसके लिए इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार है।